वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का जब से ऐलान हुआ है तब से क्रिकेट जगत में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विराट कोहली आखिर इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, क्या उन्हें रेस्ट दिया गया है और ही हैज बीन ड्रॉप। अब इसका जवाब तो बीसीसीआई ही दे सकती है, लेकिन पिछले कुछ समय से नंबर 3 पर भारतीय टीम के लिए खेलने को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है एंड विराट कोहली इज एट द फोर फ्रंट ऑफ द क्रिटिक्स जो उनको लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर हिज पुअर फॉर्म और उनको टीम इंडिया से बाहर करने की बात की जा रही है इन द वर्ल्ड टी20। तो इस वीडियो में हम उन 3 बड़े दावेदारों के बारे में बात करेंगे इंक्लूडिंग विराट कोहली जो कि भारत के लिए नंबर 3 पर खेलने के दावेदार हैं, और क्या विराट कोहली को टीम से बाहर कर देना सही फैसला होगा, क्या वर्ल्ड टी20 में इसका नुकसान होगा, विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में लेकर के जाना क्या सही फैसला होगा या नहीं, इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। वर्ल्ड टी20 में भारत के लिए नंबर 3 पर खेलने के लिए फिलहाल 3 बड़े दावेदार हैं। एक हैं फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली, दूसरे हैं दीपक हुड्डा और तीसरे हैं श्रेयस अय्यर। इसके अलावा संजू सैमसन भी पिकिंग ऑर्डर में है बट ही इज नॉट इन द रेडार और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका सिलेक्शन ना होना इस बात का पुख्ता सबूत है। अब सवाल यह है कि अगर विराट कोहली को खराब फॉर्म की वजह से टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाता है तो उनकी जगह पर टी20 वर्ल्ड कप जैसे प्रेशर टूर्नामेंट में कौन खेलने वाला है, क्या दीपक हुड्डा वो होंगे या फिर श्रेयस अय्यर। की शॉर्ट बॉल के सामने परेशानी जो है वो जग जाहिर है और इंग्लैंड के खिलाफ चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर टी20 सीरीज हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर इज नॉट द सेम बैट्समैन और फिर आईपीएल में भी शॉर्ट बॉल से कॉन्स्टेंटली उनको टारगेट किया जा रहा है। वहीं आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारने वाले दीपक हुड्डा इज वे टू यंग फॉर टी20 क्रिकेट और इतनी जल्दी क्या एक इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में उतारना सही होगा या नहीं। तो एक एक करके हम तीनों प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे एंड वी बिगिन विद दीपक हुड्डा। पिछले कुछ महीनों में दीपक हुड्डा हैज रियली अप्ड हिज गेम एज फार एज टी20 फॉर्मेट इज कंसर्न। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2022 में उन्होंने 15 मैच खेले जिसमें उन्होंने 415 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 32 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 136 व्हिच इज अ रीजनेबल गुड परफॉर्मेंस फॉर अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर। कई मैचों में उनको नंबर 3 पर खिलाया गया और कई मैचों में उन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग की। दीपक हुड्डा का पेस के सामने थोड़ा स्ट्रगल जरूर है, हालांकि ही इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग इट और वो एक तगड़े स्पिन हिटर माने जाते हैं और साथ ही में वो आपको थोड़े बहुत ऑलराउंडिंग ऑप्शंस भी देते हैं। आयरलैंड के खिलाफ जब से दीपक हुड्डा ने सेंचुरी मारी है तब से उनके नाम की माला काफी ज्यादा जपी जा रही है और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि एक इन फॉर्म खिलाड़ी को ही वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। लेकिन दीपक हुड्डा के टी20 करियर को अगर हम देखें तो अभी तक उन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 205 रन बनाए हैं, एवरेज उनका 68 का है और स्ट्राइक रेट 172 का है, यानी कि एवरेज और स्ट्राइक रेट तो उनके करियर की शुरुआत में काफी हैवी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें दो हैं जिनको यहां पर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला कि दीपक हुड्डा ने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है और दूसरा दीपक हुड्डा ने ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में अभी कदम भी नहीं रखा है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां का बज, वहां का एटमॉस्फेयर के साथ साथ वहां के कंडीशंस को भी आपको पूरी तरीके से जांचना परखना बेहद जरूरी होता है, जो कि दीपक हुड्डा के पास वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। टी20 फॉर्मेट में अक्सर आप सुनते होंगे कि इंटेंट चेंज करो, मार्क खेलो, तड़का कर खेलो, ये सारी बेकार बातें हैं। अगर आप इंग्लैंड के ओवर क्रिकेट खेलने के तरीकों को देखें तो उनको इस फॉर्मेट से सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं मिली है जब से उन्होंने ये तरीका अपनाया है सिंस 2015, 2016 का वर्ल्ड टी20, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 का वर्ल्ड कप वो जीते वो भी एक ऐसे रूल की वजह से व्हिच इज नाउ बीन स्क्रैप्ड और फाइनल में तो 250 रन बनाने में भी उनके लाले आ गए थे। उसके बाद 2021 में तो आपको कंडीशंस और ऑपोजिशन को देख करके अटैक करना होता है। अगर आप लगातार अटैक करते रहोगे तो जो पहले वनडे में इंग्लैंड की हालत हुई थी वही हालत आपकी वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हो सकती है। में दीपक हुड्डा के फॉर्म को देखते हुए करंटली वो एक बड़े दावेदार जरूर है, खास करके जिस तरीके से उन्होंने शतक बनाया है। लेकिन दीपक हुड्डा का ऑस्ट्रेलिया में ना खेलना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए दूसरे बड़े दावेदार हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर। हालांकि श्रेयस अय्यर पैकिंग ऑर्डर में दीपक हुड्डा से ऊपर हैं और राहुल द्रविड़ उसी ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से जो भी प्लेयर बाहर जाता है जब वो ठीक होकर के आता है तो टीम इंडिया में पहली जगह उसे ही मिलती है और ये प्लेयर के कॉन्फिडेंस को भी और ज्यादा बढ़ाता है। ऐसे में श्रेयस अय्यर अगर दीपक हुड्डा से ऊपर है तो जाहिर है कि वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन पहले होना चाहिए। लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर की फॉर्म तो एक इशू है ही, साथ ही में उनका शॉर्ट बॉल के सामने जो कठिनाई उनको आती है वो भी उनके लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है। श्रेयस अय्यर के इंटेंट को लेकर काफी ज्यादा सवाल पहले किया जाता था। आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 124 का था बट ही ट्राई टू रेक्टिफाई इट इन 2022। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल के 14 मैचों में बनाए 401 रन जिसका स्ट्राइक रेट उन्होंने रखा
134 और उनका एवरेज भी 30 का रहा। हालांकि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे, अपनी टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जहां तक उनकी बल्लेबाजी में इंटेंट की सवाल थी वो उन्होंने जरूर दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट बॉल के सामने श्रेयस अय्यर का एक बड़ा इशू है। हमने देखा था T20 मैच में जब भारत को लगातार इंग्लैंड के गेंदबाज शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे तो किस तरीके से टीम इंडिया के सारे बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी, और श्रेयस अय्यर उस लिस्ट में टॉप पर रहते हैं क्योंकि अब उनके दिमाग में वो चीज घुस गई है कि मुझे शॉर्ट बॉल तंग करती है और सामने शॉर्ट बॉल आने वाली है, और इसी वजह से वो और ज्यादा रिलक्टेंट उसके ऊपर हो रहे हैं। लेकिन उनके T20 आंकड़ों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि इंटरनेशनल्स में काफी अच्छे माने जा सकते हैं। अभी तक श्रेयस अय्यर ने 42 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 931 रन बनाए हैं विद द हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ 138, यानी कि विराट कोहली के राइटफुल सक्सेसर वही होने चाहिए अगर आप विराट कोहली को ड्रॉप करने के बारे में सोचते हो तो। लेकिन उनकी करंट फॉर्म और शॉर्ट पिच बॉलिंग के सामने उनकी समस्या एक बड़ी परेशानी हो सकती है। अभी तक सिर्फ 2 T20 मैच ही वो ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, सिर्फ उन्होंने 12 रन बनाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक एक्सपीरियंस वो जरूर लेकर के आए हैं, प्रॉपर नंबर 3 बैट्समैन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दीपक हुड्डा से पहले अब उनका मौका बन सकता है। वेस्ट इंडीज में अगर विराट कोहली जाते तो अपने इंटरनेशनल करियर का 100 T20 मैच उनको खेलने को मिलता, लेकिन अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम उनके 99 मैचेस पर नजर डालें तो उन्होंने यहां पर 3,308 रन बनाए हैं, एवरेज उनका 50 का है, एंड द स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो 137, एंड यू हैव टू नोट इट डाउन कि उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज हाल फिलहाल कुछ सालों में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, खास करके 2022 में जो उन्होंने छोटे मोटे T20s खेले हैं सिर्फ एक हाफ सेंचुरी वो लगाने में कामयाब हुए हैं। वेस्ट इंडीज के सामने जो उन्होंने एक इनिंग खेली थी 41 बॉल्स में 52 रन उन्होंने बनाए थे, और उसके बाद उनका एक बहुत ही बिलो पार एवरेज IPL सीजन गुजरा है, और उनके स्टैंडर्ड से तो ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल सीजन माना जाएगा। IPL 2022 में विराट कोहली ने 16 मैचों में सिर्फ 341 रन बनाए हैं, और उसके साथ साथ उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही ज्यादा कम था। हालांकि एक डू और डाई मुकाबले में उन्होंने 70 रन की इनिंग जरूर खेली थी, बट दैट इज नॉट गुड इनफ टू सॉर्ट विराट कोहली आउट। लेकिन जहां पर विराट कोहली टीम इंडिया के लिए एक अहम कड़ी बन जाते हैं वो है विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस, और ना सिर्फ उनका एक्सपीरियंस बल्कि उनका कमाल का रिकॉर्ड भी। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने अभी तक 11 T20Is खेले हैं जिसमें उन्होंने बनाए हैं 451 रन, एवरेज है 64 का और स्ट्राइक रेट है 144 का, यानी कि विराट कोहली द पेस हिटर की टीम इंडिया को जरूरत पड़ सकती है डाउन अंडर, और वहां पर विराट कोहली से बड़ा प्लेयर इस समय भारत के पास तो क्या दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है जो कि नंबर 3 पर तगड़ी रेंज रखता हो एज फार एज पेस हिटिंग इज कंसर्न। KL राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों ही पेस को अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली जहां बॉलर पर चढ़ करके खेलते हैं वहीं KL राहुल 360 डिग्री प्लेयर है, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आप सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या से अच्छे फिनिश की उम्मीद रख सकते हो क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी तेजी से रन बनाने का यहां पर मादा रखते हैं। विराट कोहली की इंटेंट पर बहुत ज्यादा सवाल उठता है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से दोहराता हूं कि T20 फॉर्मेट में जितना आप इंटेंट करोगे उतना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पंजाब किंग्स ने वही चीज करने की कोशिश की थी इन द IPL 2022, और आप सबने देखा कि उनका क्या हाल हुआ क्योंकि वो अपने दिमाग में एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें खेलनी है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है करके आए, और उसी तरीके से वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से। लेकिन जिस टीम ने सिचुएशन के हिसाब से, मैचअप के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से, सामने वाली टीम के हिसाब से अपना प्लान बनाया और मैच दर मैच उसको चेंज किया, मैच दर मैच उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 100% एफर्ट डाला, वो टीम टॉप पर रही, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो, चाहे गुजरात टाइटंस हो या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, की जितनी भी टीमें थी इन्होंने प्लान चेंज करा टीम के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बॉलर्स के अकॉर्डिंग, मैचअप्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और उसी हिसाब से इन टीमों को रिजल्ट भी मिले हैं। तो टॉप 3 में चाहे जितने भी इंटेंट मर्चेंट आ जाए, चाहे जितने भी मार कर खेलने वाले बल्लेबाज आ जाए, इन तीनों के पास अच्छी रेंज हिटिंग है। हालांकि आई अग्री कि विराट कोहली के पास अगर उस तरीके की फॉर्म नहीं है तो आप वहां पर चेंज करने के बारे में जरूर सोच सकते हो, लेकिन फिर वो श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा नहीं हो सकते। इन माय हम्बल ओपिनियन मैं जाऊंगा संजू सैमसन के साथ, या फिर मैं ऋषभ पंत को ही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते देखना चाहूंगा, और अगर ऋषभ पंत नहीं तो फिर सूर्य कुमार यादव को मैं नंबर 3 पर खेलते देखना चाहूंगा, क्योंकि आपको बाकी दोनों को छोड़ करके किसी ऐसे प्लेयर की तरफ देखना होगा जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास उस तरीके का मेथड हो कि वो हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर पाए।
और इसीलिए मेरा मानना है कि विराट कोहली टीम इंडिया की फॉर्च्यून्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन द वर्ल्ड T20 2022। लेकिन अगर मैनेजमेंट विराट कोहली के साथ जाने का फैसला नहीं करती है तो फिर मेरे हिसाब से उन्हें संजू सैमसन की तरफ देखना चाहिए या फिर सूर्य कुमार यादव को 4 और 5 पर खिलाने की जिद को छोड़कर उन्हें नंबर 3 पर खिलाने के बारे में भी टीम इंडिया सोच सकती है। ऋषभ पंत को भी उस पोजिशन पर भेजा जा सकता है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से नंबर 3 पर क्या विराट कोहली को खेलना चाहिए या फिर आप किसी और खिलाड़ी को उस पोजीशन पर खेलते हुए देखना चाहोगे। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपके सवालों को ठीक ठाक जवाब देने की यहां पर कोशिश कर रहा था एंड होपफुली मैं उसमें थोड़ा बहुत कामयाब जरूर हुआ हूंगा। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। अपने ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार इस चैनल पर लेकर के आ रहा हूं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.